हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपको लोग को बताएंगे कि कितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं बोकारो में, ठीक है, और उन लोगों में कितनी सीट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पूरा डिटेल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप कॉलेजेस को पहले से अगर जान ले तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहता है और एडमिशन आपको लेने में काफ़ी ईजी होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लिस्ट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इन बोकारो। तो बेसिकली देयर इज़ ओनली टू पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इन बोकारो, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी, द सेकेंड वन इज़ गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक बोकारो। तो ये दो जो है आपका जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है बोकारो में, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी। तो ये जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी का। तो ये आपका एंट्रेंस हो गया, ठीक है, ये एंट्रेंस है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सब एंट्रेंस ही है। ये सामने की बिल्डिंग हुई, ये आपका कॉलेज कैंपस है। अगर दूर दूर से ये फोटो लिया गया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, काफ़ी नेचुरल इन्वायरमेंट है। मीन्स आपका पढ़ाई के लिए तो ये बेस्ट जगह है, अगर इन्वायरमेंट का बात किया है तो। आगे हम लोग एक्चुअली में फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी नेचुरल प्लेस में ये सिचुएटेड है, इस मायने में तो ये काफ़ी अच्छी जगह सिचुएटेड है। ये देखिए, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के रूप से लिया गया है ये फ़ोटो। इसमें आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी नेचुरल, काफ़ी अच्छा है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस के सामने वाला बिल्डिंग, ये उसका साइड का, ये रूफ टूप से लिया गया, रूफ से लिया गया है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये आपका क्लासरूम है। तो क्लासरूम आप देख सकते हैं, ये आपका क्लासरूम हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरे का। ये लेबोरेटरी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमको मिले। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स कुछ कुछ जो है ये देख सकते हैं, लैब इंस्ट्रूमेंट है। ये आपका बॉयज़ का हॉस्टल हो गया। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये कहाँ सिचुएटेड है। तो बेसिकली ये 20 किलोमीटर दूर है आपका बोकारो स्टील सिटी से, जो मेन टाउन है, जो मेन सिटी है आपका बोकारो स्टील सिटी, से 20 किलोमीटर दूर है। और ये काफ़ी ग्रीनरी में सिचुएटेड है, ग्रीन ट्रीज काफ़ी मिलेगा, हाई हिल्स है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। ये तो हम लोग को फोटोज़ में भी दिख रही है, ये काफ़ी ग्रीनरी है, तो पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है कहाँ पे, बोकारो पटना नेशनल हाईवे में, एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम BSCT रेलवे स्टेशन। तो बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से ये 7 किलोमीटर दूर है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। बेसिकली बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है, जिसमें 100 100 बेड्स हैं। ये आपका एड्रेस हो गया, प्रॉपर एड्रेस जो आपका पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का। ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो कंट्री है उसमें बेसिकली 3 ब्रांचेस है। ये तीनों ब्रांच हो गया आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें 60 इनटेक है, 60 सीट है अवेलेबल। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 सीट्स अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 सीट्स अवेलेबल है। अगर हम प्रिंसिपल का नाम का बात करें तो वो आपका डॉक्टर उमेश कुमार जो है वो यहाँ के प्रिंसिपल हो गए। उनका एड्रेस भी दिया हुआ है। ये आपका ईमेल आईडी हो गया कॉलेज का, ये फ़ोन नंबर, और जो यूनिवर्सिटी जिससे ये एफिलिएटेड है वो है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। फी की बात करें तो यहाँ पे फॉर जनरल एंड ओबीसी
जनरल और ओबीसी के लिए जो है ₹2,405 है पर एनम, ठीक है। पर एनम मीन्स हर एक साल आपको इतना देना पड़ेगा, ₹2,405। और SC ST की बात करें तो आपको ₹605 हर एक साल देना पड़ेगा एज ए फी। फी जो आपको एज अ टाइम ऑफ एडमिशन ही देना पड़ेगा, जब एडमिशन लेने जाएंगे तभी। ट्यूशन फी वेवर स्कीम जो है वो 10% के लिए ऑफ इनटेक। तो टोटल 60-60 सीट है, मीन्स टोटल 180 सीट्स हुआ। तो इतना इनटेक है आपको, 180 इनटेक है। तो 10% को जो है आपको मिलता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। 10% यानी 18 स्टूडेंट्स को जो है आपका ट्यूशन फी वेबर स्कीम मिलता है। नेक्स्ट आपका, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो बोर्डिंग और लॉजिंग का जो चार्ज है वो करीब है ₹1,850 पर मंथ। मतलब हर एक मंथ आपको ₹1,850 देना पड़ेगा। एडमिशन का प्रोसेस जो है वो ये है, JCE CEB के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, और ये आपका ऑफिशियल साइट हो गया JCEC का। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में दो बॉयज़ हॉस्टल है, 100 बेड है, और गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें भी 100 बेड है। इंस्टीट्यूट कैंपस में सिचुएटेड है। तो ये पूरा विवरण हुआ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटरी का। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वुमेंस पॉलिटेक्निक बोकारो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।